বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ইনকে লিয়ে বেটিও কা বলাৎকার বঙ্গাল মে নহীঁ দিখতা, আর বঙ্গাল মে মমতা ব্যানার্জি হার চুকি হ্যাঁ, আপনি লোকপ্রিয়তা খো চুকি হ্যাঁ, ইসিলিয়ে ও অসংবৈধানিক বাতে বোল রহি হ্যাঁ। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल जारी है। इसी बीच ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना दक्षिण कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। दरअसल सीएम ममता ने बुधवार को अपनी पार्टी की छात्र इकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में आग लगाना चाहती है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे, हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। बिहार लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। ममता कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, वो इस्तीफा नहीं देंगी, और बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, उड़ीसा जलेगा, झारखंड जलेगा। ना, ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया की कोई ताकत नहीं, बाप वोट और संवैधानिक है, संविधान में कहीं बाप वोट का जगह नहीं। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले से निपटने के तरीकों को लेकर तृणमूल सरकार को गंभीर आलोचना और बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये घटना 9 अगस्त की है, उसके बाद से ही कोलकाता समेत पूरे बंगाल में जूनियर डॉक्टर, छात्र और आम नागरिक पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने बंद के दौरान हिंसा और राज्य सचिवालय नवन्ना तक प्रोटेस्ट मार्च को लेकर भाजपा पर हमला किया। बाबू अपना पार्टी के लिए आगुन लगाचेन, मने रखबेन, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না,
আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়, ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য, যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে? কেন এই আইনটা করছো না? যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি। মনে রাখবেন, ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো। আমরা এটা করতে পারি এবং আমরা জানি। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভিতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी ममता बनर्जी के बयान पर उनकी जमकर आलोचना की है। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के अंतर अब ममता नहीं रही, अब उनका सिर्फ नाम ममता है, उनके अंदर ममता नहीं है। अब उनके अंदर जो उन्होंने कभी नारा दिया था, माँ माटी मानुष, उसका दर्द नहीं बचा है। मैं हैरान हूं कि एक मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई महिला, वो एक महिला के दर्द में कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश कर रही है। आज वो उस प्रिंसिपल के पक्षधर बनी हुई है जिसके ऊपर तमाम आरोप है, और जिन परिस्थितियों में घटना के बाद साक्षियों को मिटाने की कोशिश हुई, जो भी आरोपी पकड़ा गया है, उसकी मोटरसाइकिल पुलिस की मोटरसाइकिल है, वो उसके बाद गया अपना खून सना, कपड़ा साफ किया पुलिस के किसी स्थान पे, इसके बाद भी और साक्ष्य बचे तो एक बड़ी गुंडों की टीम भेजी गई, अस्पताल पे हमला गया। क्यों हमला किया गया? आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही है, आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? इस देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली में महीनों महीनों एक आंदोलन हुआ, एक लाठी नहीं चलाने दी गई उनके ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री किसानों से प्यार करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं। ममता दीदी को क्या हो गया? पहले तो जो प्रिंसिपल कहता है ये सुसाइड है, और उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रही है, तो फिर मेरा मानना है कि ये जो विभत्स घटना हुई है कलकत्ता आरजी कर हॉस्पिटल में, इसके एक एक तार जुड़ने चाहिए, और जो दोषी हो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बने, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग सिस्टम में ऐसे हैं, जो ऐसे दोषियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए।